हाय गाइस, आज मैं आपको ये एक खूबसूरत सा डोरमेट बनाना सिखा रही हूँ। आप कोई भी कूट पर दिए गए माप के अनुसार आप इसे काट लीजिए। ये देखिए, इसका माप दोनों साइड से 6 इंच और लंबा भी 6 और चौड़ाई भी 6 इंच मैंने रखा है। इसी माप से मैं इस कूट को काट ले रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैं 2.5 इंच नाप करके एक लंबा लाइन टालूंगी और इसी पर एक गोल, मैं इसे इस कूट को गोल आकार में काट लूंगी। मैंने यहाँ कूट को गोल काट लिया है। अब मैं इसे कपड़े पर रख करके कपड़े को भी गोल काट लूंगी। अब इस कपड़े का थोड़ा सा सिरा मैं मोड़ करके रन स्टिच इस पर चला रही हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रन स्टिच चलाने के बाद सारे कपड़े को एक जगह मैं सूती की मदद से टान कर जमा कर लूंगी। अब इसको पीछे से मैं इसमें नॉट लगा दूंगी। आप 2-3 बार इसमें नॉट लगा दीजिएगा ताकि यह खुले ना। इस तरह से मेरा फूल देखिए तैयार हो गया है। मैंने अनेक रंग के कपड़े मिला कर इस तरह के फूल को बनाया है। अब इन दोनों फूलों को एक संग में आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। यह डोरमेट बचे हुए कपड़ों से बना है, जो वेस्टेज का क्लॉथ होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, जिन्हें हम लोग फेंक देते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, उसी से मैंने इसे बनाया है। ये जितना जल्दी बन जाता है उतना ही खूबसूरत लगता है देखने में। मैंने इसे इस तरह से चेन की शेप में बना लिया है और मैं इसे दूसरे मैट में इसे मैं यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करूँगी। देख लीजिए, इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके इसे ज्वाइन कर किया जाता है। मुझे तो ये डोरमेट बनाना काफ़ी इजी लगा। जो भी वेस्टेज क्लॉथ थे उससे मैंने इसे बनाया और ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। घर में सभी के वेस्टेज क्लॉथ्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, सूट के कपड़े जो फट उठ जाते हैं, उनसे भी ये बहुत ही खूबसूरत बना। ये देखिए मेरा डोरमेट कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप लोग इसे बनाएं।